नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हब ऑफ फेम में। तो आज के इस वीडियो में हम बॉलीवुड की एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के बारे में जानेंगे। हिंदी सिनेमा की खूबसूरत अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को हैदर, आशिकी 2, स्त्री जैसी कई फिल्मों में बेहतरीन अभिनय के लिए जाना जाता है। स्टार किड होने के बावजूद उनकी गिनती ऐसे कलाकारों में होती है जो अपने हुनर के दम पर आगे बढ़े हैं। श्रद्धा को अपने काम के लिए अलग अलग कैटेगरी में कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो आइए अब जानते हैं श्रद्धा कपूर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, 2010 में श्रद्धा की आई फिल्म तीन पत्ती से हिंदी सिनेमा में इन्होंने कदम रखा था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में थे। तीन पत्ती ने कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया और न ही इस फिल्म में श्रद्धा को बहुत सराहा गया क्योंकि उनका किरदार बहुत ही छोटा था। खास बात यह है कि अमिताभ बच्चन श्रद्धा कपूर के पसंदीदा कलाकार हैं और उनके करियर की शुरुआत भी अमिताभ बच्चन के साथ ही हुई है। फैक्ट नंबर 2, फिल्म तीन पत्ती से पहले श्रद्धा को एक और फिल्म ऑफर हुई थी। श्रद्धा जब 16 साल की थी तब स्कूल के एक नाटक में उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद सलमान खान ने श्रद्धा को एक फिल्म ऑफर की थी। श्रद्धा तब एक मनोवैज्ञानिक बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को ठुकरा दिया था। फैक्ट नंबर 3, अगर हम बात श्रद्धा के फेवरेट प्लेस की करें जहां वो घूमना पसंद करती हैं, तो उन्हें छुट्टियां मनाने के लिए न्यूयॉर्क, गोवा और लद्दाख जो हैं ये इनकी पसंदीदा घूमने की जगह है। फैक्ट नंबर 4, श्रद्धा कपूर के फेवरेट हीरो जॉनी डेप और ऋतिक रोशन हैं। नूतन और प्रियंका चोपड़ा श्रद्धा कपूर की फेवरेट बॉलीवुड हीरोइंस हैं। फैक्ट नंबर 5, श्रद्धा ने एक बार कपिल शर्मा शो में बताया था कि वह कई भाषाओं में माहिर हैं। इंग्लिश और हिंदी के अलावा वह रशियन और ब्रिटिश एक्सेंट भी बढ़िया बोल लेती हैं। फैक्ट नंबर 6, श्रद्धा कपूर कई विज्ञापनों में काम करती हैं। वह फिल्मों से तो करोड़ों रुपए कमाती ही हैं, साथ ही वह खुद का एक फैशन ब्रांड भी चलाती हैं। उनके फैशन ब्रांड का नाम लेवल इमारा है। फैक्ट नंबर 7, श्रद्धा कपूर ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि वह कॉफ़ी शॉप में भी काम कर चुकी हैं। बोस्टन में पढ़ाई करने के दौरान जेब खर्च के लिए उन्हें कॉफ़ी शॉप में भी काम किया है। फैक्ट नंबर 8, अगर हम बात श्रद्धा कपूर की टोटल नेटवर्थ की करें तो श्रद्धा 15 मिलियन की मालकिन है। श्रद्धा कपूर की मासिक कमाई लाखों रुपए में है। वह प्रत्येक फिल्म के लिए 5 करोड़ से अधिक रुपए चार्ज करती हैं। फैक्ट नंबर 9, देखने में हल्की फुल्की नाजुक सी नज़र आने वाली श्रद्धा कपूर स्कूल की फुटबॉल टीम में थी और आज भी वो फिटनेस पर बहुत ध्यान देती हैं। श्रद्धा को एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत पसंद हैं और वो एक सर्टिफाइड स्कूबा ड्राइवर भी हैं। फैक्ट नंबर 10, अगर हम बात श्रद्धा के एड्स की करें तो श्रद्धा लैकमे, वैसलीन, लिप्टन, वीट, टाइटन और डुलक्स के लिए ऐड करती हैं। फैक्ट नंबर 11, श्रद्धा कपूर की माँ और नाना शास्त्रीय गायक हैं। यही नहीं, मशहूर गायिका लता मंगेशकर भी श्रद्धा कपूर के रिश्ते में आती हैं। श्रद्धा कपूर ने एक विलन मूवी का गाना गलियां खुद ही गाया है। फैक्ट नंबर 12, अगर हम बात श्रद्धा कपूर के रिलेशन की करें तो श्रद्धा कपूर और सेलिब्रिटी फोटोग्राफर रोहन शेष के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन अभी हाल ही में दोनों के रिश्ते के ख़त्म होने की खबरें काफ़ी सुर्खियों में थी। दोनों ने लगभग 4 साल डेट करने के बाद एक दूसरे से अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। इस कपल के ब्रेकअप की खबर सुनकर उनके फैंस को भी तगड़ा झटका लगा है और वो भी हैरान है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस जोड़ी ने ये फैसला किया है। हालांकि अब तक श्रद्धा कपूर ने इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। तो ये थे श्रद्धा कपूर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।